देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राफेल सौदे पर द सॉल्ट के सीईओ बोले, डील में कोई घोटाला नहीं हुआ। हिमाचल के किन्नौर में ग्लेशियर टूटा, आईटीबीपी के 6 जवान दबे। इलाहाबाद बैंक, महाराष्ट्र बैंक और पीएनबी बैंक समेत 12 बैंकों को मिलेगा 48,239 करोड़ रुपए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनपढ़ अनाड़ी जन की बात करते हैं। 26 साल के युवक ने शहीदों के परिवार के लिए जुटाए 6 करोड़ रुपए। ममता बनर्जी का बयान, कहा कुछ पार्टियां फैला रही है नफरत। मुख्यमंत्री के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं लागू करने के लिए शिवसेना ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से 3.5 घंटे पूछताछ की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर राजस्थान के राज्यपाल ने दिया बयान। वंदे एक्सप्रेस पर तीसरी बार हुई पत्थरबाजी। हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।